अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल कम टू कोर्ट में और एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन इंस्टॉलमेंट का, कि हम किस तरह एक्सेल के अंदर लोन इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला के जरिए। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल कम टू कोर्ट में। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेल के अंदर ये है कि हम लोन इंस्टॉलमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो हम किस तरह एक्सेल के अंदर क्रिएट करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से ही एक डेटा सेट किया हुआ, यानी कि कुछ कॉलम्स में कुछ यहाँ पर टाइटल लिखे हुए हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट। यानी कि हम जो यहाँ पर लोन ले रहे हैं अपने बैंक से, वो हमने यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं 5 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ और कितने इंटरेस्ट पर ले रहा हूँ, यानी कि मैं कितना इस लोन अमाउंट के ऊपर परसेंट दूंगा बैंक को। तो सिंपल मैं अगर 12% देता हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपल 12% लिख लिया। और मेरी ड्यूरेशन क्या है, मैंने कि कितने टाइम तक मुझे ये अमाउंट पे करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 2 ईयर्स, मेरे पास 2 साल का क्या है टाइम है इसको पे करने का। तो इसके अगले कॉलम में मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ, यानी कि हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। हमें किस तरह हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, तो देखते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल का साइन, लोन अमाउंट को हमने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई ड्यूरेशन, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा कि हमें इस लोन अमाउंट के ऊपर जो हमारा 12% बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो जो हमारा 12% बन रहा है इस लोन अमाउंट के ऊपर, वो बन रहा है 1,20,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम किस तरह निकालेंगे, हम टोटल अमाउंट सेम प्रोसेस ये होगा कि हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और लोन अमाउंट को प्लस करवा देंगे किससे, अपने इंटरेस्ट अमाउंट से, और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास आ चुका है हमारा टोटल अमाउंट, यानी कि अब जो हमें टोटल क्या करना है, जो हमें पे करना है वो कितना पे करना है, 6,20,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम निकालेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट, यानी कि हमें मंथ वाइज पे करना है। ठीक है, तो इन 2 साल का, ठीक है, इन 2 साल में हम मंथ वाइज में कितना पे करेंगे, अब हमें इंस्टॉलमेंट वाले सेल में ये निकालना है कि हम मंथ वाइज कितना पे करेंगे, कितने अमाउंट। तो सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, इक्वल हमने किया टोटल अमाउंट को सिलेक्ट, डिवाइड बाई एयर्स, एयर्स हमारे पास कितने हैं 2, फिर डिवाइड बाई 12। 12 क्यों मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने 12 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 24 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन तो मेरा क्या है, सेल के अंदर 2 लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, 2 जो है उसको डिवाइड करवा देगा 12 से। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी मेरी इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो कि मुझे मंथ वाइज क्या करनी है, पे करनी है। तो कुछ मुझे मंथ वाइज इतनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है, 2 साल तक मुझे कितनी अमाउंट पे करनी है, कुछ ये अमाउंट 25,800 समथिंग रुपये मुझे कुछ पे करना है हर महीने। सिंपल मैं दोबारा से आपको फॉर्म बता देता हूँ किस तरह। अब अली ने अपने किसी बैंक से लिया 3 लाख रुपए का लोन, ठीक है, और उसे कितना देना है, इस 3 लाख के ऊपर 15% देना है उसे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15। कितने साल में उसे ये, यानी कि कितने साल तक उसे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना है लोन अमाउंट के साथ। ठीक है, तो उसे कितना भरना है भाई, 3 साल तक ये प्रोसेस उसका चलेगा। अब हमें क्या करना है, अब निकालना है इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 3 लाख रुपए के ऊपर 15%। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन हमने लगाया, लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 3 यानी कि ड्यूरेशन, इंटर मैंने प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई 1,35,000 रुपये क्या करना है हमें इस लोन अमाउंट के ऊपर पे करना है। अब हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे, सिंपल इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है हमारा टोटल अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4,35,000 रुपये हमें 3 साल तक कितने मंथ में, यानी कि 3 जो हमारा ड्यूरेशन है एयर्स है, यानी कि कितने हो गए हमारे पास महीने, 36 महीने में हमें कितना अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल हमने लगाया,
टोटल डिवाइड बाई ड्यूरेशन और डिवाइड बाई 12। तो हमने यहाँ पर टैप प्रेस के, तो देखें हमें क्या करना है, हर महीने 12,000 रुपये और कुछ समथिंग क्या करना है, हमें पे करना है 3 साल तक। तो ये हमारा प्रोसेस था लोन अमाउंट का, कि हम लोन इंस्टॉलमेंट की जो हमारी शीट है हम कुछ इस तरह से मेंटेन करते हैं अपना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। तो होप यू गाइस आपको ये अच्छा, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।